फ्रेंड्स बहन बनने के लिए शुभ लग मैं स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स आज मम्मी ने बनाए थे मिर्च के पकौड़े, देख सकते हैं मैं बाजार से मिर्च लाई थी। तो उसके लिए पहले मम्मी ने भरता लिया था, फिर मिर्चों को काट के बीच से इस तरीके से देख सकते हैं बीच से काट के इसने भरता भर दिया। और ये जो बाकी सब भरता बच गया था तो मम्मी ने उसके गोल गोल पिंडी बना लिए हैं। और ये यहाँ पे बेसन को बैटर बना के रखा है मम्मी ने, बेसन का बैटर है, इसमें भी डुबो के इन पकौड़ों को मम्मा तलेंगी। और गाइस मम्मी ने पकौड़ों के साथ खाने के लिए चटनी बनाने के लिए ये खटाई को पानी में रख के उबाल लिया था। तो फ्रेंड्स मम्मी ने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा थोड़ा करके बैटर को इस आलू के पिंडों पर डाल रही हैं। मम्मी ने पहले बैटर को थोड़ा सा फेंट लिया है, फिर इसके ऊपर डाल रही हैं बैटर। मम्मी ने मिर्च भी ले लिए हैं। सो फ्रेंड्स मम्मी ने बैटर में डाल दिया एक मिर्च को, अब पूरी बैटर सो फ्रेंड्स मम्मी एक एक करके सभी पकौड़ों को तेल में डाल रही हैं, फिर इन्हें अच्छे से पका लेंगे। और जब ये थोड़े पक जाएं तो इन्हें पलट देंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे मम्मी ने पलट दिया है, इसी प्रकार से आपको सभी पकौड़ों को पका लेना है। सो फ्रेंड्स पकौड़ों को पक जाने पे इस तरीके से एक प्लेट में कागज़ रखना है, फिर अपने जो पकौड़े हैं उन्हें निकाल लेना है। कागज़ या बटर पेपर इसलिए लगाएंगे ताकि कि जो हमारा बर्तन है उसमें ज़्यादा तेल ना लगे और बर्तन धुलने में भी ज़्यादा कठिनाई ना हो। इस तरीके से सभी पकौड़ों को निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप जैसे मम्मी निकाल रही हैं। मम्मी ने एक एक करके सभी पकौड़ों को निकाल लिया है और जो बाकी के बचे थे उन्हें भी बैटर से लपेट के तेल में डाल रही हैं। उसके बाद जो ये पिंडे थे उनको मम्मी ने गोल किया है टिक्की के जैसा, उसके बाद भी बैटर डाल दिया। और मिर्चों की तरफ आ चुके हैं, मिर्च देख सकते हैं मिर्च पकने ही वाले हैं, तो अब मिर्च को मम्मी निकाल लेंगी। और देख सकते हैं ये मैंने छोटी सी बूंदी बनाई थी, किसी चने की जैसी लग रही है। तो मम्मी ने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी पकौड़ों को निकाल लेना और फिर मम्मी अब टिक्कियाँ डाल रही हैं, देख सकते हैं। टिक्कियाँ को बैटर में अच्छे से डुबो के डालना है ताकि जो टिक्कियों का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स अगर आप भरता जो होता है इसके अंदर भरने के लिए जो भरता होता है उसे खटाई ज़रूर डाल दें। सो फ्रेंड्स मम्मी ने ऊपर से थोड़ा बैटर लगा दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा आलू दिख रहा था इसलिए, और हमारा बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था तो आप थोड़ा गाढ़ा ही बैटर बनाइएगा, देख सकते हैं। इस प्रकार से मम्मी सभी पकौड़ियों को तल लिया है और मम्मी ने चटनी का जुगाड़ किया है। मम्मी ने पहले तो पकौड़ियों को निकाल लेंगे फिर चटनी का जुगाड़ करेंगे। चटनी के लिए मम्मी ने जो कलर हमारे यहाँ रखा था उस कलर को डाला है पहले, उसके बाद में चीनी और पानी, उसके बाद में इसे गरम खौला लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं। चटनी बन के रेडी है इनके इस पकौड़ों के साथ खाने वाली, और देख सकते हैं हमारे पकौड़े बन के रेडी हैं। ये बिल्कुल चूहे के जैसे लग रहा है, देखिए देख सकते हैं, क्या आपको नहीं लग रहा। सो फ्रेंड्स अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। सो गाइस बहुत ही टेस्टी थे, अगर आपको भी पकौड़े पसंद है तो ये पकौड़े बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।